हेलो फ्रेंड्स, रीनल फंक्शन टेस्ट कुछ टेस्टों का एक समूह होता है जिसके द्वारा किडनी यानी गुर्दों के कार्य करने की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन आदि रक्त में जमा हो जाते हैं, जिससे शरीर को नुकसान हो सकता है। किडनी की बीमारी की पहचान करने के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। इसमें प्राथमिक रूप से तीन तरह के टेस्ट शामिल किए जाते हैं, जिसमें पहला है ब्लड यूरिया, दूसरा है सीरम क्रिएटिनिन और तीसरा टेस्ट है यूरिक एसिड। यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड मेटाबॉलिक प्रोसेस के तहत वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, जो कि किडनी द्वारा यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। किडनी डैमेज होने की वजह से यदि यह अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही होती है तो इन वेस्ट प्रोडक्ट का उत्सर्जन नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए किडनी या रीनल फंक्शन टेस्ट द्वारा ब्लड में इसके लेवल की जानकारी प्राप्त करके किडनी के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। यूरिया की नॉर्मल रेंज 15 से 45 mg पर डेसीलीटर होती है, जबकि क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.3 mg पर डेसीलीटर होती है और यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज 4.5 से 7 mg पर डेसीलीटर होती है। इनके लेवल में वृद्धि किडनी डैमेज को दर्शाती है और यदि इसकी मात्रा सामान्य से अधिक होती है तो अन्य टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं और इसको कंफर्म किया जाता है। थैंक यू।